हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल रचना सिन्हा, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक कर देना। तो मेरा थंबनेल देखकर तो फ्रेंड आप जान ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स शॉर्ट हाइट गर्ल्स के बारे में। तो आज ये बताते हैं फ्रेंड कि हाइट जो है वो तो मायने नहीं करता है आपका, बट लेकिन आज का जो ये फैशन का जो दौर जो चल रहा है फ्रेंड, जो ट्रेंड जो चल रहा है, इसमें सब लोग जो है वो चाहते हैं कुछ अच्छा दिखने का, कुछ अच्छा नया दिखने के लिए। तो मेरा भी जो हाइट है फ्रेंड वो कम ही है, तो इसके चलते मैं ऐसा क्या ट्रिक जो है मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि जिससे जो है वो थोड़ा हाइट हो जाता है और मैं जो है सारे चीज का जो फैशन जो निकलते हैं तो उसमें मैं अप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह का ट्रिक जो है मैं आपके सामने जो लेके आ रही हूँ कि आप इस तरह का अप्लाई करो तो कुछ जो है वो आप ज्यादा तो नहीं बल्कि कुछ जो है वो कुछ हाइट हो जाते हैं और आपका ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा वो जनरेट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड अभी का जो समय जो है, चाहे कॉलेज हो या जॉब लाइन हो या कहीं भी हो, सब जगह जो है फ्रेंड वो फैशन के मामले में काफी आगे रहते हैं और वो देखा भी जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होता है आपके पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी के सामने आपका ये सब जो है, अगर हाइट वगैरह है या फिर गुड लुकिंग जो हो गया, ये सब चीजें जो है आपके सामने फेस करने को आता है। तो इसके लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको टिप्स और ट्रिक बताते हैं कैसे क्या करना है, लेट्स गो। अक्सर देखा जाता है फ्रेंड जो कम हाइट वाले महिलाएं या गर्ल्स जो होती हैं, वो जब भी मार्केट वगैरह अगर हम निकले तो ड्रेस वगैरह या कुछ भी फैशन की चीजें जो अगर हम लेने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये ड्रेस हम पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमारे हाइट के अकॉर्डिंग ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फ्रेंड वो सोचना पड़ जाता है और ऐसे में हम कुछ अच्छा खरीद भी नहीं पाते हैं। तो चलिए तो कुछ ऐसा टिप्स जो है आपको देते हैं जिससे आपको मदद मिलेगा आपको शॉपिंग वगैरह करने में, या फिर हेल्प मिलेगा आपको चॉइस करने में किस टाइप का आपका हेयर स्टाइल वगैरह होना चाहिए, किस टाइप का आपका फुटवेयर होना चाहिए, किस टाइप का आपका टॉप होना चाहिए, किस टाइप का आपका बॉटम वेयर होना चाहिए। ये सारे कुछ जो है मैं आपको आज बताऊंगी जिसमें आपको हेल्प बहुत मिलेगा आपको च्वाइस करने में। तो चलिए पहला नंबर जो है फ्रेंड वो बात करते हैं टॉप वेयर का, ठीक है ना, है और ना ही ज्यादा ढीला कपड़ा पहनना है। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आपको पहनना है, यानी आपका जो ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल रहे और आप आपके बॉडी पे अच्छा दिखे। तो इसके लिए जो टॉप वियर की जो मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड, इसमें आपका पहला आता है क्रॉप टॉप। तो कम हाइट वाले जो गर्ल्स वगैरह जो है वो क्रॉप टॉप वगैरह आप पहन सकते हैं। जो शॉर्ट टॉप जो निकलते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसमें वी नेक का यूज किया कीजिए, क्योंकि वी नेक जो रहेगा तो इसका जो ये नेक का जो पोर्शन है फ्रेंड वो ज्यादा दिखेगा, तो इससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपकी जो है वो थोड़ा ये लंबा है ये पोर्शन। तो आप इसमें आप जो टॉप वगैरह जो भी लेंगे तो उसमें वी नेक वाला आप ज्यादा ऐसा कोशिश कीजिए कि वी नेक का आप लेने का यूज कीजिए, क्योंकि राउंड नेक जो होता है फ्रेंड, राउंड नेक का कुछ भी टॉप वगैरह ऐसा पहनते हैं हम लोग तो उससे ये क्या हाइड हो जाता है ये पोर्शन हमारा। तो इससे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा एक ऐसा इमेज बन जाता है कि ये थोड़ा सा कम पोर्शन जो है वो हो जाता दिखता है। तो इसके चलते फ्रेंड आप हमेशा जो है वो वी नेक का लेने का अप्लाई करें और क्रॉप टॉप जो है इस टाइप का आप टॉप वियर जो है आप लीजिए, वो काफी अच्छा लगेगा आप पे। क्योंकि जो क्रॉप टॉप जो होता है फ्रेंड वो आपको आपका बस यहाँ तक ही आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका लेग का जो पोर्शन है वो पूरा फुल दिखता है, ठीक है। तो आप लॉन्ग टॉप अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टॉप आप बिल्कुल मत पहनिए। और फ्रेंड बता दूं आपको, कलर में आप हमेशा डीप कलर का ज्यादा यूज किया कीजिए, इससे आपका जो है वो थोड़ा लंबा दिखाता है पोर्शन जो है। तो आप जो भी कलर वगैरह अगर आप लेते हैं तो टॉप और बॉटम दोनों का कलर सेम होना चाहिए, डिफरेंट कलर बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। अगर डिफरेंट कलर आप यूज करते हैं तो उससे थोड़ा जो है आपका जो मतलब टॉप का और बॉटम पे दोनों का जो है वो ध्यान जो है वो हट जाता है, ऐसा
तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड स्कर्ट का। तो स्कर्ट में आप बॉटम वियर में स्कर्ट में आप जो शॉर्ट जो मिनी स्कर्ट जो आते हैं उस टाइप का स्कर्ट आप पहन सकते हैं, या फिर जो फिश कट जो होता है स्कर्ट वो आप पहनिए। स्ट्रेट जो फिश कट जो होते हैं साइड से जो ओपन होते हैं इस टाइप का स्कर्ट जो है आप पहन सकते हैं। जो मतलब आपका जो ठेवना जो है फ्रेंड उसके ऊपर जो भी आता है तो वो वाले पैंट वो वाले स्कर्ट जो है आप वो ले सकते हैं। और जैसे आपका ठेवना के जो नीचे जो आते हैं फ्रेंड वो वाले स्कर्ट जो घेरा वाला जो होता है उस टाइप का स्कर्ट को आपको अवॉइड करना है। आप चाहे तो पूरा लॉन्ग लीजिए, पूरा लॉन्ग जो घेरा वाला जो आता है उस टाइप का स्कर्ट आप ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट ही स्कर्ट लीजिए। फिर जो मतलब जींस वाले जो स्कर्ट जो निकले हैं आगे से बटन वाले उस टाइप का स्कर्ट वगैरह आप ले सकते हैं। तो वो जो है वो काफी अच्छा लगता है मिनी स्कर्ट वगैरह में। और आप जब भी स्कर्ट वगैरह ऐसा लिया कीजिए तो आप वर्टिकल स्ट्रिप वाले ही देखिए तो वो भी अच्छा लगेगा आपका। और जींस वाले जो स्कर्ट है जो डेमिन जींस का जो चला है फ्रेंड ट्रेंड में है काफी, तो उस टाइप का आप बॉटम जो है आप ले सकते हैं और उसपे व्हाइट टी शर्ट जो है वो अप्लाई कर लीजिए। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो आप वन पीस जो आते हैं वो आप पहना कीजिए, उससे भी आपका लुक काफी अच्छा हो जाता है और उसमें भी आपको लंबा दिखाता है। तो आप वन पीस ज्यादा पहना कीजिए, वो काफी अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं जो लड़कियां सूट वगैरह जो ज्यादा पहनती हैं तो उसमें आप किस टाइप का सूट वगैरह जो है वो सिलवा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो सूट में फ्रेंड आपको बताना चाहूंगी आप लॉन्ग टाइप का ही सूट सिलवाया कीजिए, ठीक है। और दुपट्टे जो है फ्रेंड आप इसमें हमेशा साइड दुपट्टा लेने का कोशिश कीजिए, और साइड दुपट्टा जो है फ्रेंड वो आपको लॉन्ग दिखाएगा। तो इस टाइप का जो हाइट है फ्रेंड जो आप कर सकते हैं अपने ड्रेस को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका लुक जो है आपको काफी हद तक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बात करते हैं बॉटम वियर की। तो बॉटम वियर में फ्रेंड हमें हमेशा जो है अगर हम हॉट पैंट वगैरह जो पहनते हैं या फिर जींस वगैरह जो लेते हैं तो उसमें आप हमेशा जो है हाई वेस्ट का जो होता है वो आप लेने का कोशिश कीजिए। लो वेस्ट जो जींस वगैरह है उसे आप अवॉइड कीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो जो हाई वेस्ट का जो जींस जो होता है या फिर आपका पैंट वगैरह जो होता है वो आप इस टाइप का लेने का कोशिश कीजिए। तो हाई वेस्ट जो है फ्रेंड बॉटम वियर इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट होता है हमारे लेग के प्रति जो वो लंबा दिखाता है हमें, ठीक है। तो इस टाइप का जो है कुछ ट्रिक जो है आप फॉलो करते हुए ये सब ड्रेस वगैरह जो आप च्वाइस कर सकते हो। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं ज्वेलरी वगैरह में। तो ज्वेलरी वगैरह जो है फ्रेंड वो काफी इम्पोर्टेंस मायने जो रखता है क्योंकि हम जो भी ड्रेस वगैरह करते हैं अगर वो अप्लाई नहीं करते हैं तो वो काफी हद तक लुक जो है आपका फ्रेंड वो थोड़ा सा दब जाता है। तो इसलिए ज्वेलरी भी जो है फ्रेंड ऑर्नामेंट जो है वो आपका काफी अहमियत रखता है आपके ड्रेसअप के साथ। तो ज्वेलरी में फ्रेंड आप जो चौकर वाले जो होते हैं उसे अवॉइड कीजिए। आप लॉन्ग नेकलेस वगैरह जो होते हैं वो उसे पहना कीजिए, तो इससे जो है वो पोर्शन जो है आपका थोड़ा लंबा दिखेगा और अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग जो है वो क्रिएट करेगा। तो ज्वेलरी में आप इस टाइप का पहना कीजिए। अब बात रहा इयररिंग वगैरह का, तो इयररिंग में आप फ्रेंड लॉन्ग टाइप के जो आते हैं इयररिंग उस टाइप के आप इयररिंग को पहना कीजिए। जो शॉर्ट वगैरह जो होता है या इस टाइप के छोटे छोटे जो है वो थोड़ा हाइड कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग इयररिंग जो है वो उसे पहना कीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड फुटवियर में, ठीक है। तो फुटवियर में फ्रेंड हमें उस टाइप का सैंडल जो है वो चूज करना चाहिए जो आगे का जो पोर्शन है वो ऐसा दिखता हो, यानी लंबे टाइप का जो हो, ठीक है। जैसे ये बेली शूज वगैरह जो है उस टाइप का आप ले सकती हैं, या फिर सैंडल वगैरह जो है जिसमें आपका पैर का जो पोर्शन जो है वो ज्यादा मतलब दिखे, ठीक है। आपका ऐसा मत ले लीजिएगा कि जो मतलब पैर आपका जो वो पूरा छिपाता हो या हाइड करता हो आपका जो फिंगर वगैरह हो, तो उसे आप अवॉइड कीजिएगा। आपको जो सैंडल है इस टाइप का आप फुटवेयर लीजिए और हमेशा न्यूड कलर लेने का कोशिश कीजिए। अगर न्यूड आप नहीं ले सकती हैं तो आप लाइट ब्राउन वगैरह इस टाइप का अप्लाई कर सकती हैं। तो न्यूड में क्या होता है फ्रेंड वो आपका लेग जो है वो सैंडल का जो है कलर जो है न्यूड रहने के कारण वो थोड़ा
हाइड हो जाता है, ऐसा लगता नहीं है कि आपने नीचे कुछ बॉटम ऐसा कुछ पहना है। अगर आप बॉटम वेयर में कुछ डीप कलर अगर आप पहन लेते हैं तो सारा फोकस आपका उसी लेग पर ही चला जाएगा, कुछ डीप कलर अगर अप्लाई कर लीजिए तो। इसके चलते फ्रेंड आप जो है वो न्यूट कलर या लाइटेड कलर का जो है सैंडल वगैरह या बेली सूट जो है वो आप लिया कीजिए, अप्लाई किया कीजिए, तो वो ज्यादा आपका लुक जो है वो अच्छा लगेगा लेग का फुटवेयर में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड हेयर स्टाइल का। अब हेयर स्टाइल में फ्रेंड ये तो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो होता है हेयर स्टाइल का, किस टाइप का हेयर स्टाइल रखा करें, तो मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड जो हेयर स्टाइल में आप पब वगैरह अगर आप बनाते हैं तो आप पब वगैरह का यूज किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये पोर्शन थोड़ा सा आपका अप हो जाता है। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड आप इसमें हमेशा हाई पोनी किया कीजिए, जो भी आप चोटी वगैरह अगर आप करते हो तो हाई पोनी कीजिए, या फिर बन वगैरह जो भी आप बनाते हो तो उसे भी आप हाई रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड थोड़ा सा अप वो दिखता है, तो इस टाइप का। और हेयर कट वगैरह जो है फ्रेंड वो शॉर्ट टाइप का हेयर कट आप रखिए नेक तक का, जिससे आपका जो है ये पोर्शन जो है वो लंबा दिखे, इसके कारण आपका जो लुक जो है वो अच्छा दिखता है। तो आप शॉर्ट हेयर जो है वो ज्यादा रखने का प्रेफरेंस दीजिए, उसे कोशिश कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं हैंडबैग में। हैंडबैग में फ्रेंड आप लॉन्ग जो बैग जो आता है उसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उस टाइप का बैग जो है आप ना लीजिए, क्योंकि वो बैग जो लॉन्ग बैग जो क्या करता है फ्रेंड वो सारा फोकस आपका बैग की ओर लेके जाता है। तो इसके लिए आप इस टाइप का जो बैग जो है शॉर्ट बैग जो या क्लच वगैरह जो आता है या साइड बैग जो होता है उस टाइप का छोटे पर्स जो है आप लेने का कोशिश कीजिए। अगर आपको पर्स में अगर ज्यादा सामान वगैरह ऐसा रखना है तो आप बैग जो बैग आता है वो यूज किया कीजिए। आप जो लॉन्ग बैग जो चला है फ्रेंड तो उसे आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं साड़ी में। साड़ी में हम किस टाइप का साड़ी वगैरह जो है वो पहनेंगे ताकि जो हाइट जो है वो थोड़ा लंबा दिखे। तो साड़ी में फ्रेंड आप हमेशा पतला जो बॉर्डर के जो आते हैं वो साड़ी हमेशा लिया कीजिए, और प्रिंट जो है फ्रेंड उसका एकदम छोटे प्रिंट जो बॉबी प्रिंट टाइप के जो आते हैं उस टाइप का आप लेने का प्रेफर कीजिए। आप बड़े प्रिंट वाले साड़ी वगैरह बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है, और बॉर्डर भी एकदम उसका पतला हो। और आप अगर आप प्लेटिंग करके साड़ी जो लेती हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है, और लॉन्ग लिया कीजिए प्लेटिंग, तो इससे जो है आपका लुक जो है वो लंबा स्ट्रेट अच्छा दिखाता है, ठीक है। आप ओपन पल्लू भी रख सकती हैं उसमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो है उसका बॉर्डर जो है फ्रेंड वो पतला वाला बॉर्डर ही का साड़ी आप यूज किया कीजिए। अब जो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फ्रेंड लहंगे का। तो लहंगे में फ्रेंड आप फिश कट लहंगा जो है वो लिया कीजिए, इससे जो है आपका लुक जो है वो थोड़ा लंबा दिखाता है, ठीक है। तो आप फिश कट लहंगा जो है उसे आप पहना कीजिए। घेरादार लहंगा जो है फ्रेंड वो थोड़ा आपका ये कर देता है, तो अगर आप वो भी लहंगा लेते हैं फ्रेंड तो थोड़ा वेस्ट पे आप ये अपना अपर वेस्ट पे आप पहना कीजिए, नेवी से ऊपर करके पहना कीजिए। अगर नेवी से आप अगर नीचे पहनते हैं तो वो थोड़ा सा और कम हाइट आपको शो करेगा। तो इसके लिए आप जो भी ड्रेस अगर साड़ी पहनते हैं या लहंगे पहनते तो आप नेवी से ऊपर पहनने का कोशिश किया कीजिए। तो ये रहा फ्रेंड हमारा टिप एंड ट्रिक्स। तो आई होप कि आपका कुछ मदद मिल जाए मेरे इस ट्रिक से। तो अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि और दूसरों लोग का भी हेल्प हो जाए, मदद हो जाए इस वीडियो से। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।